मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एमबीए ऑनलाइन क्लासेस। आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है यानी परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको पी या पान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी क्यू का वैल्यू जीरो न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है ए नंबर ऑफ दिस आर पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिनको पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी क्यू का मान जीरो न हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या बोले हैं? ऐसी संख्या जिनको पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, इसमें दिया गया है ए नंबर ऑफ द फाइव पी अपान क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इसमें देख लेते हैं, P अपान Q का मतलब जो P होना चाहिए वो दोनों क्या इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसके साथ साथ Q का वैल्यू जीरो न हो, Q का वैल्यू जीरो न हो। अब इसकी में क्वेश्चन आता है कि Q का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब इसको देख लिया जाए कि क्यू का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो देख लिया जाए कि यदि किसी भी संख्या में जीरो से हम भाग देते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है यानी अनंत होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसलिए जो है कि क्या होना चाहिए? क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2/3 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2/3। अब 2/3 में क्या है? ये भी इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और ये भी क्या है? पूर्णांक है। क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगी? यानी 2/3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ 2/0 कर दिया जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि जीरो से किसी भी संख्या में डिवाइड किया जाए यानी भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? और इन्फिनिटी क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि यदि पी का वैल्यू जीरो रख दिया जाए तो क्या यह रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो यदि पी का वैल्यू जीरो हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। केवल क्या होना चाहिए? क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है कि रेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब जो इसमें ऊपर वाला भाग होता है जिसको हिंदी में हम अंश कहते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हिंदी में हम हर बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो यानी कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ये क्लियर हो गया? अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लें कि सभी पूर्णांक संख्याएं यानी सभी इंटीजर्स नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं
कि जैसे मान लेते हैं कि 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं है, यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। किसी भी संख्या में यदि हम 1 से डिवाइड करें, किससे 1 से डिवाइड करें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सभी जो पूर्णांक संख्या होती है यानी इंटीजर्स नंबर होते हैं वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है यानी परिमेय संख्या होती है। लेकिन सभी परिमेय संख्या इंटीजर्स नहीं हो सकती है, सभी परिमेय संख्या इंटीजर्स नहीं हो सकती है। इसको भी देख लिया जाए कि सभी इंटीजर्स यानी रेशनल नंबर जो है इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, तो यानी ऐसे 2/3 को ले लिया जाए, 2/3 को ले लिया जाए तो इसको डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसमें डिवाइड करें सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे, 3/6 यानी ये आता चला जाएगा कि 666 या, तो यानी कि ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है। जहां पे डेसिमल हो जाए वहां पे क्या होता है? इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब 2/3 क्या है? इंटीजर नहीं है। बट ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर है। इसलिए जो है कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू जो है कि समझ लेते हैं। जैसे हम लिखे 5/6, 2/3, 8/3, इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर की यदि बात किया जाए तो जितनी ऊपर वाली संख्याएं हैं वे सभी क्या है? न्यूमरेटर होती हैं, यानी जो अंश के रूप में है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? न्यूमरेटर होती है। तो 5 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, ये सभी संख्याएं क्या है? न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। लेकिन डिनोमिनेटर पूछा जाए तो नीचे वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं? डिनोमिनेटर होती हैं, यानी हर होती हैं। यहां पे देख लेते हैं 6, 3, 3, ये सभी क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है कि इसके आगे हमें बताना है कि संख्या रेखा पर इसे यानी लाइन में दर्शाने के लिए हम कैसे दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन उस पर देख लिया जाए कि हम किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, यानी यदि हमें इसको दर्शाना है तो हमें देखना है कि 2/3 को दर्शाना है, 2/3 को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लिए, क्लियर, जहां पर मान लेते हैं 0, ठीक, यानी इसको लिखिए 0/3, जहां पर यानी न्यूमरेटर 0 से स्टार्ट कीजिए और डेनोमिनेटर जितना है वही हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो 0/3 यहां पर रख दीजिए, 1/3 यहां पर रख दीजिए, 2/3 यहां पर रख दीजिए, 3/3 का मतलब क्या होगा कि 1 हो गया। ठीक है, तो हमें याद करना है 2/3, तो 2/3 क्या हो जाएगा? यहां से 0/3 से स्टार्ट किए और 2/3 तक लेकर गए, तो यहां पे क्या हो गया? यही क्या हो गया? संख्या रेखा पर ऐसे हम दर्शाते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे आ गया कि 5/6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो 5/6 जैसे ही आया तो यहां पे हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब इधर भी जब इसके राइट जाएंगे तो
पॉजिटिव होगा और लेफ्ट आएंगे तो निगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फाइव, यानी इसी तरह इधर जो भी होगा वो निगेटिव हो जाए। लेकिन हमें पहले प्लस फाइव दिया है तो यहां से हम लेकर जाएंगे प्लस फाइव के तरफ, हो गया। लेकिन यहां से हमें कितना माइनस करना है, सिक्स करना है, तो सिक्स लेकर आइए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो यहां से उठाइए और यहां तक मिला दीजिए और आपका जो आंसर हुआ यही आंसर हो गया। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, माइनस वन आ गया, और फाइव में से हम सिक्स को माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस वन होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है।